जुहार दोस्तों, और आज हम लोग बात करेंगे कि जेएसएससी में के अंदरूनी बातों का क्या चल रहा है, कि जेएसएससी के अंदर क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है, ये सभी सारी बातों को बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों से हम निवेदन करेंगे कि आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मुझे फेसबुक पर फॉलो करें। निवेदन है कि आप लोग सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम बता रहे हैं कि कल जेएसएससी गया और वहां पर जो भी बातें हुई वो स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि जेएसएससी जो परीक्षाएं हैं वो सभी का डेट की घोषणा करने वाले हैं और बहुत जल्द। और जो हकीकत की बात बता रहे हैं कि टीजीटी जो अभी रिजल्ट आ रहा है, जो कि 3450 का जो उन्होंने दिखाया नियुक्ति पत्र, उसमें और भी 3000 पद अभी खाली हैं। टीजीटी के अभी 3000 पद खाली हैं, जैसे संस्कृत, जैसे उर्दू और वह जितने भी लैंग्वेज के हैं, कुरुख है, संताली है, ये सब। ये वह अध्यक्ष महोदय का कहना था कि संस्कृत में जो है सो जो एसटी कोटा का सीट है वो खाली चला जा रहा है, यानी एसटी का जो है एसटी जो 26% जो उनके लिए रिजर्वेशन रखा गया है एसटी के लिए, तो वो पद खाली चला जा रहा है। तो वो अगर यदि जोड़ देते हैं, साथ ही साथ जो संथाली है, जो कुरुख है, जो हो है, वो मुंडारी है, इन विषयों के जो पद है वो जनरल के वो पद खाली जा रहा है। यानी जो क्या कहते हैं कि एसटी के पद में जो संस्कृत है और उर्दू वगैरह वो सब सब है, वो पद जो है उनके लिए मिल नहीं रहे हैं टीचर। और जो ट्राइबल लैंग्वेजेज हैं, जो संथाली है, कुरुख है, अपना वो है, मुंडारी है, उसमें जनरल नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में या तो जेएसएससी को ये पद सरेंडर करना पड़ेगा, सरेंडर करना कि बोल मेरे पास ये लड़के नहीं मिलते हैं और ये पद पर हम नियुक्ति नहीं कर सकते क्योंकि लड़का नहीं। दूसरा बात होता है कि ये सरकार के संज्ञान में देना चाह रहा है जेएसएससी कि अगर ये पद को हम लोग मर्ज कर देते हैं, कहने का मतलब कि जो संस्कृत का जो एससी का और एसटी का पद खाली चला जा रहा है वो अगर यदि हम जनरल के लिए और ओबीसी के लिए खोल देते हैं, तो वैसी स्थिति में जो है सो पद खाली नहीं रहेगा और किसी न किसी को नौकरी मिल जाएगी। उसी प्रकार से जो हमारा ट्राइबल लैंग्वेजेज है वहां पर भी जो अगर यदि वहां पद वह सिलेंडर नहीं करके अगर जितना भी एसटी लोग है वो लोग सब सारे लोग तो जनरल में ही पास कर गए, कहीं कुरुख में कोई लड़के नहीं था वह जनरल का, तो वह संथाली में या वह हो में या मुंडारी में, तो हमारे एसटी लोग सब जनरल में पास कर गए, अब एसटी का पद खाली रह गया। तो वैसी स्थिति में जो ऐसे कम नंबर पर जो दूसरे लोग मुंडारी जानते हैं, जो कुरुख जानते हैं, जो संथाली जानते हैं, कम नंबर पर जो है सो दूसरे एसटी को वह जनरल के पद पर भर दिया जाए, क्योंकि जनरल लोग के पास वह कुरुख वो जानते नहीं है तो वो सीट तो खाली रह जाएगा और वहां पर टीचर भी बच्चों को नहीं मिल पाएगा। इससे बेहतर है जो कुरुख वाले लोग हैं उन्हीं लोगों को वो एसटी हो को ही जनरल का पद भी दे दिया जाए, जो अपना कोटा तो है लेकिन जनरल का भी सीट उन्हीं को दे दिया जाए। और जो वह संस्कृत है, उर्दू है, वहां पर अगर यदि एसटी नहीं मिल रहे हैं तो उन लोगों को उनका पद दे दिया जाए, जनरल में काउंट किया जाए। तो वैसे स्थिति में क्या होगी कि ये सीट खाली नहीं जाएगी, ऐसा जेएसएससी का नाम है नहीं कि जेएसएससी और सरकार के बीच में तालमेल चल रही है कि अगर यदि ऐसा होता है तो 3000 और भी
मैंने पद भरे जा सकते हैं, पंचायत सचिव का भी जो पद खाली है उस पर भी बात हुई, तो वो बोल रहे हैं कि अभी सरकार की तरफ से रोक लगा दिया गया है, पंचायत सचिव के जो सीट बचे हुए हैं उन पर सरकार का रोक लगा हुआ है कि आप उतना ही रखिए, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को अनुकंपा पर भी नौकरी दिया है, इसलिए जो है आप जो वह नौकरी वहां पर दे चुके हैं अनुकंपा पर, तो ऐसा नहीं कि हम जिसको दिए हैं नौकरी और आप इधर से भी वह निकाल दीजिएगा तो सीट से ज्यादा हो जाएगा। मैंने वह जैसे से अध्यक्ष से कहा कि आप जो है जितना पद निकाले थे उतना तो आप भरिए, जो लोग है वो पद को भर दीजिए, तो वो सब सारी चीजें हुई। साथ ही साथ जो नए विज्ञापन है, नए विज्ञापन में आप लोग लैब टेक्नीशियन के लिए तैयार रहिए, वो हर हाल में वो परीक्षा हो जाएगी। आप ये नहीं बोलिएगा मनोज भैया 40 का, मैं बता रहा हूं 40 का विरोध मैं कर ही रहा हूं, वो करता रहूंगा, लेकिन परीक्षा अगर यदि हो जाएगी तो उसको परीक्षा को तो रोक नहीं पाएंगे, अगर परीक्षा नहीं रोक पाएंगे सरकार जीत पर अड़ेगी तो आपका भविष्य बर्बाद होगा ना, इसलिए वहां पर जो है सो आपकी परीक्षा हो जाएगी। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि JSSC के चेयरमैन 2 महीना के बाद रिटायर कर जाएंगे, और वो चाहेंगे कि किसी भी प्रकार से किसी भी जो है ये लैब टेक्नीशियन वाले को या कोई भी एग्जाम पूरी तरह से कंडक्ट करा करके हम नियुक्ति बांट सकें, ये JSSC का ऐसा मानना है। दूसरा, जो PGT का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैंने बोला PGT परीक्षा होगी कि नहीं, तो मैं स्पष्ट शब्दों में उनसे पूछा तो वो कहे कि देखिए PGT के लिए वो पेंच फंस रहा है, पेंच ये फंस रहा है कि कंपनी ने कहा था कि अगर 1 लाख से नीचे लड़का रहा तो हम CBT मोड में परीक्षा ले लेंगे, 60,000-70,000 रहता है तो CBT मोड में, अगर यदि अब दुगुना हो जा रहा है 1,20,000 हो जा रहा है तो आनी लाख से ऊपर हो जा रहा है, वैसी परिस्थिति में हम CBT में मोड में परीक्षा नहीं ले सकते हैं, नहीं ले पाएंगे, तो या तो फिर लेंगे तो 1 महीना तक परीक्षा चलता रहेगा, और अगर यदि आप ऑफलाइन में लेते हैं तो वो कह रहा था कि अगर यदि लाख से ज्यादा हो जाएगा तो हम ऑफलाइन में परीक्षा लेंगे, लेकिन ये कहते हैं कि अगर यदि ऑफलाइन परीक्षा लेते हैं तो फिर से एक नया भूचाल आ जाएगा कि वह JSSC ने वो सेटिंग गेटिंग करके वो चीज को बोला था CBT मोड और ये देखिए ले रहा है ऑफलाइन, तो ये मेरे पास में चुनौती है कि क्या करें, CBT मोड में लें कि ऑफलाइन लें। CBT मोड में जो है सो पूरे 1 महीना मोबाइल चलेगा, और 1 महीना में बता रहे हैं कि मेरे पास में मात्र जो है 10,000 और 12,000 कैपेसिटी का ही है एक बारगी में, इस प्रकार से जो है चलता रहेगा कितना दिन चलेगा परीक्षा, और पुनः जो है नॉर्मलाइजेशन, पुनः जो है सो रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन होगा, किसका लॉटरी निकला नहीं निकलेगा नहीं, और अगर यदि वहां पर ले लेते हैं वह ऑफलाइन परीक्षा लेते हैं तो अब जो यहाँ का जो या पूरे भारत में जो अभी चल रहा है सिस्टम कि वह बहुत ज्यादा क्वेश्चन आउट होने की संभावना बन जाती है, तो बता रहे हैं कि ये मैंने वहां को में है वह JSSC कि हम इसको CBT मोड में लें कि इसको हम ऑफलाइन लें, ये सब सारा चीज का भी बात हुआ। साथ ही साथ हम लोग जूनियर इंजीनियर के बारे में बात बोले कि ये आपने बोल देखिए मैंने जब धांधली हुआ था तो मैंने संज्ञान में लिया, हम बोले संज्ञान में आपने नहीं लिया, छात्रों ने आपको संज्ञान में दिया और आप मजबूर हो गए, आपने जो है सो 2 बार परीक्षा भी लिया, आप 2 साल जिंदगी बर्बाद कर दिए, अगर यदि ये क्वेश्चन सेटिंग नहीं हुआ रहता तो आज मेरा जूनियर इंजीनियर जो भी तेज था और अगर यदि फेयर एग्जाम हुआ होता तो अभी तक ये लोग की नौकरी हो गई रहती, जो कि 2 साल एक्स्ट्रा बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है, और ये क्वेश्चन आउट होने का कहीं ना कहीं सेटिंग गेटिंग वाले को कुछ करते नहीं है, तो ये आप इसका परीक्षा जल्द से जल्द कंडक्ट करवाइए, क्योंकि ये लोग बेचारे 2 साल से इंतजार कर रहे हैं।
तो बोले कि मैं चाहूंगा कि इनका डेट हम बहुत जल्दी घोषणा कर दें और जूनियर इंजीनियर का भी हम परीक्षा का कंडक्ट करवा के जाएंगे। ये उसका सीबीटी मोड में ही करवाएंगे जब भी, क्योंकि उसमें उतने लड़के नहीं, 40-50 हजार लड़के आते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा लड़के आ गए हैं पीजीटी में। दूसरी बात, जो इंस्ट्रक्टर जो आप बात कर रहे हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर का, उसका भी जो 10 तारीख से फार्म भराने वाला है, उस पर भी उन्होंने कहा कि हम इसको फार्म भरवा देंगे लेकिन हम परीक्षा नहीं कंडक्ट करवा पाएंगे। ये आने वाला मेरा उत्तराधिकारी जो है वो परीक्षा कंडक्ट कराएगा और इसके बारे में, और एक्साइज कांस्टेबल, ये सब परीक्षाएं जो है हम नहीं करा पाएंगे, बल्कि आने वाला मेरा उत्तराधिकारी जो भी होगा जेएसएससी का चेयरमैन वो करवाएंगे, और सीजीएल की परीक्षा जो है सो वही करवा पाएंगे, हम नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि हमारा 2 महीना समय मात्र बच रहा है और ऐसी परिस्थिति में जो है 2 महीना में हम इतना परीक्षा सबको नहीं कंडक्ट कराएंगे, लेकिन फुल फाइनल करके जाएंगे और उसके बाद में आने वाले जेएसएससी के चेयरमैन की जिम्मेदारी होगी कि किस प्रकार से फेयर एग्जाम होगा। तो ये सब सारी बातें मैं बता रहा हूँ, पहले भी टीजीटी का और पंचायत सचिव ये सारी बात हुई, इसके बाद में पीजीटी की बात हुई, और इसके बाद में लैब टेक्नीशियन की बात हुई, सीजीएल की बात हुई, आईटीआई इंस्ट्रक्टर की बात हुई, एक्साइज कांस्टेबल की बात हुई, ये सब सारी बातों को करके जो है हमने बहुत अच्छा लगा, लगभग 1.5-2 घंटा तक वार्ता हुई और बहुत एकदम हार्मोनिक रिलेशन में उन्होंने बहुत जो वस्तु स्थिति थी उन्होंने हमारे साथ में कहा कि ये प्लान है। और अब जो है अब वो उनका बोले कि मैं एग्जाम कराने वाली संस्था हूं, मैं परीक्षा लूंगा, नियुक्ति सरकार कब देगी, नियम कानून सरकार बना के देती है, हम नहीं बनाते हैं, और जो नियम कानून सरकार बना के देती है हम उसको फॉलो करते हैं और उसी के अनुसार हम तारीफदारी नहीं कर रहे हैं, उनका तारीफदारी नहीं कर रहे हैं, उनका कहना था हम किसी का वो बोल रहे हैं, हम तारीफदारी नहीं करते हैं। वो बोले कि जो सरकार हमको देता है कानून बना करके, जो नियम कानून कार्मिक विभाग भेजता है, मैं उसके अनुसार आपका परीक्षा लेने वाली एक संस्था है जेएसएससी, हम लोगों का कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि हम आउटसोर्सिंग से काम लेते हैं, आउटसोर्सिंग से, और ये भी आपको बताया ना सरकार की ये वो नहीं कह रहे थे, ये हम कह रहे हैं, ये सरकार जो धांधली होता है, जो परीक्षा में क्वेश्चन आउट होता है, ये सरकार की मैं आरोप लगा रहा हूं अध्यक्ष महोदय नहीं, कि ये सबसे आउटसोर्सिंग से करते हैं और सबसे कम पर जो पैसा देता है, जो बोली लगता है सरकार उसको चुनती है। आप उसको क्यों चुनती है ये समझ नहीं पाती है सरकार, कि जो सबसे कम में आपका परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए काहे तैयार हो गया, 10 लाख 12 लाख में काहे थे, मैंने लगता है जो 50 लाख तो 50 लाख में काहे तैयार हो गया, दूसरा का 80 लाख में काहे होता है, 1 करोड़ में काहे हो रहा है, ये सबसे कम दाम में काहे हो रहा है, क्योंकि वो जो है क्वेश्चन बेचेगा और वो वहां से पैसा कमाएगा, इसका कारण जो है सब सस्ता रोगे बार बार महंगा रोगे। एक बार वो अगर यदि सबसे कम बोली में लगाता है कि हम परीक्षा करवा देंगे, सरकार क्या करती है पैसे बचाने के लिए सबसे कम वाले के देती है, और ये जो है सब क्वेश्चन वहीं से आउट कर देता और वो वहीं बेच करके पैसा कमा लेता। ठीक है, हम कम दाम में आपसे वह कॉन्ट्रैक्ट में लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन बेच के कमा लेंगे। इससे क्या होता है कि जो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं उसकी जिंदगी बर्बाद होती है, इसलिए सरकार जो अधिक बोली बोलने वाला है, जो फेयर एग्जाम करे, वैसी कंपनी को जो है, वैसे आउटसोर्सिंग वाले कंपनी को ये एग्जाम कंडक्ट कराने का देना चाहिए ठेका, लेकिन ये जैसे तैसे को दे देते हैं, जिसका कोई क्या कहते हैं विश्वसनीयता नहीं होती है, जिसके कारण वो लोग क्वेश्चन आउट कर देता है और पता चलता है कि वह सीट है यदि 1000 तो वो 10000 को वो कॉपी बांट देते हैं। अब 10000 कॉपी बांट देते हैं तो 10000 क्वेश्चन आउट हो जाता है, ये गड़बड़ी है, जैसा कि जेई में हुआ था कि 1100 सीट था, 5000 लोग क्वेश्चन सबको वह क्वेश्चन मिल गया, ये गड़बड़ी है। तो पास बहुत सारी बातें हुई और आगे हम लोग क्या होगा सीजीएल के बारे में और कुछ जो है सो जानकारी मिलेगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।